भारत के बार बार कहने के बावजूद कनाडा अपनी हरकतों से बाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। दरअसल कनाडा की सरकार खालिस्तानी चरमपंथियों को अपने साथ जोड़ने का, लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। ताजा मामला हरदीप सिंह निज्जर से जुड़ा हुआ है। दरअसल कनाडा की संसद में आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की याद में मौन रखा गया और कोशिश ये कि इससे भारत को चोट पहुंचाई जाए, लेकिन भारत ने इस मौके पर कनाडा को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया है। आपको बता दें, कनाडा के वैंकूवर में स्थित भारत के वाणिज्य दूतावास ने 23 जून को एयर इंडिया आतंकी हमले की याद में श्रद्धांजलि सभा के आयोजन का ऐलान किया है। बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसके बारे में सूचना जारी की गई है। वाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि भारत आतंकवाद के पागलपन के खिलाफ है और इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। 23 जून 2024 को एयर इंडिया फ्लाइट 182 कनिष्क पर हुए कायराना आतंकी हमले की 39वीं बरसी है, जिसमें 329 मासूम लोगों की जान चली गई थी। मरने वालों में 86 बच्चे भी थे। ये एविएशन की हिस्ट्री में सबसे घिनौनी आतंकी घटनाओं में से एक है। 23 जून 2024 को वैंकूवर में स्टैनले पार्क में एयर इंडिया मेमोरियल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारतीय मूल के लोगों को इस कार्यक्रम में आकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखानी चाहिए। ये सब कुछ उस पोस्ट में लिखा गया है। देखिए, आपको बताते हैं कि जिस कनिष्क हादसे की हम बात कर रहे हैं उसको अंजाम किसने दिया था, ये आपको बताते हैं। 22 जून 1985 को एयर इंडिया की फ्लाइट 182 ने कनाडा के मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। अगले दिन यानी 23 जून 1985 को जब विमान आयरिश हवाई क्षेत्र में उड़ान भर रहा था तो उसमें जोरदार धमाका हुआ और विमान का मलबा टुकड़े टुकड़े होकर अटलांटिक महासागर में जा गिरा था। इस हमले को ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए खालिस्तानी आतंकियों ने अंजाम दिया था। हमले में विमान में सवार क्रू समेत सभी 329 लोग मारे गए थे और साथ ही भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कनाडा की सरकार को चरमपंथियों के हमले को लेकर आगाह भी किया था, लेकिन उसके बावजूद कनाडा की सरकार ने सावधानी नहीं बरती और 329 लोगों को कनाडा सरकार की लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ी थी। अब एक बार फिर भारत सरकार कनाडा की सरकार को वहां पनप रहे चरमपंथियों को लेकर बार बार आगाह कर रही है, लेकिन 1985 की ही तरह अब भी कनाडा की सरकार चरमपंथियों के महिमामंडन में जुटी हुई है। भारतीय वाणिज्य दूतावास की तरफ से उठाया गया यह कदम कनाडा की संसद में निज्जर की याद में मौन रखने के बाद सामने आया है और एक तरीके से कनाडा को मुंहतोड़ जवाब है। आपको बता दें कि हरदीप सिंह निज्जर भारत में वांटेड आतंकवादी था और चरमपंथी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख भी था। भारत ने जिन 40 वांटेड आतंकियों की लिस्ट कनाडा को सौंपी थी उसमें निज्जर का भी नाम था। निज्जर की बीते साल 18 जून को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा की सरकार ने निज्जर के हत्या का आरोप भारत पर लगाया था। हालांकि भारत की सरकार ने कनाडा के आरोपों को बेतुका बताकर खारिज कर दिया था और इस मामले को लेकर दोनों देशों के रिश्तों में तनाव भी बढ़ गया था। और इसी महीने इटली में आयोजित हुए G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई थी। अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर कौन है, जिसको लेकर ये पूरा विवाद भारत और कनाडा के बीच जारी है और तनाव खत्म नहीं हो रहा और कनाडा हरदीप सिंह निज्जर के जरिए चरमपंथियों को अपने साथ जोड़कर रखने की कोशिश में लगा हुआ है। देखिए, जालंधर से साल 1997 में फर्जी पासपोर्ट पर निज्जर कनाडा गया था। हालांकि निज्जर के शरणार्थी के दावे को कनाडा की सरकार ने खारिज कर दिया था। इसके बाद निज्जर ने कनाडा में शादी करके वहां की नागरिकता लेने की कोशिश की, लेकिन कनाडा सरकार ने फिर से उसका वो आवेदन खारिज कर दिया। हालांकि बीते साल जब निज्जर की गोली मारकर हत्या की गई तो कनाडा की सरकार ने निज्जर को कनाडा का नागरिक बताया। निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा की पुलिस ने 3 भारतीय युवकों को गिरफ्तार किया था और उसके बाद से लगातार भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और कनाडा कोई भी मौका चरमपंथियों को लुभाने का नहीं छोड़ता और इसीलिए अब निज्जर का महिमामंडन कर रहा है। लेकिन भारत की तरफ से कनाडा को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और पूरी दुनिया को एक बार फिर कनिष्क हादसे की याद दिलाई जा रही है ताकि कनाडा का जो असली चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने आ सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।